السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. سورة الرعد آيات 21-23. इनका सादा तर्जमा यह है, यानी वो लोग जो अल्लाह के साथ किए हुए अहद को पूरा करते हैं और मिसाक को नहीं तोड़ते, और वो लोग जो उसे जोड़ते हैं जिसे जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से खौफ खाते हैं, और वो लोग जिन्होंने अपने रब की रजा की खातिर सब्र किया और नमाज को कायम किया, और वो जो कुछ हमने उनको दिया उसमें से छुपा कर भी और अलानिया भी खर्च किया, और जो नेकियों के ज़रिए बुराइयों को दूर करते रहते हैं, यही वो लोग हैं जिनके लिए घर का बेहतरीन अंजाम है। इस आयत करीमा की तशरीह में हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस मिलती हैं जो मैं अब आपके सामने पेश करूँगा, मगर याद रखें कि सिला रहमी के मुतल्लिक आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं वो मुख्तलिफ पहलुओं से हैं, कुछ फ़लसफ़ियाना लिहाज से यानी आरिफाना लिहाज से रहमान के मानों से ताल्लुक़ रखती हैं, कुछ कहने वाले के हालात को चूँकि आप जानते थे उसके मुताबिक जवाब दिया गया है। बहरहाल ये वक्त सारी बातें अपने अपने वक्त पर हदीसों के पढ़ने के साथ ज़ाहिर होती चली जाएंगी। सबसे पहली हदीस सुनन अबी दाऊद किताबु ज़कात से ली गई है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं रहमान हूँ, और रहम और ये रहम है ब्रैकेट में है रिश्तेदारी, मतलब यह है मैं रहमान हूँ, और रहमान लफ्ज़ रहम से निकला है। मैंने अपने नाम रहमान के मादा से निकालकर
इसको रहम का नाम दिया है, यानी माँ के रहम को और रहमान को एक ही मादे से मुस्तखरिज करार दिया है। फरमाया जो इसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो इसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ दूंगा। फिर मुस्तद अहमद बिन हम्बल की ये रवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कदम रंजा फरमाया तो लोग इज्तिहाम करके आपके इर्द गिर्द जमा हो गए। मैं भी उन लोगों में शामिल था जो दौड़ दौड़ कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। जब मैंने आपके चेहरे का बगौर जायजा लिया तो मैंने जान लिया कि ये मुंह झूठे का मुंह नहीं है। शायद यही वजह है कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे कि उनके नाम के साथ रज़ियल्लाह नहीं लिखा हुआ रवायत में, मगर बहरहाल वो रज़ियल्लाह तो बन गए थे। इस हदी के तौर पर बहुत अजीम शान मकाम था। बहरहाल वो रवायत करते हैं कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जो दौड़ दौड़ कर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। जब मैंने आपके चेहरे का बगौर जायजा ले लिया तो मैंने जान लिया कि ये मुंह झूठे का नहीं है। और सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहते हुए सुना वो ये थी कि सलाम का रिवाज दो, खाना खिलाया करो और सिला रहमी किया करो, और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सोए हुए हों तो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो गए। यानी जागे हुए नमाज पढ़ना तो है ही, मगर उस वक्त भी नमाज पढ़ो मुराद है जब लोग सोए हुए हों। फिर सुनन तिरमिजी किताबुल बिर व सलात से ये रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है, तुम ज़मीन वालों पर मेहरबानी करो, आसमान वाला तुम पर रहमान मेहरबानी करेगा। रहम अल्लाह के नाम रहमान से मुश्ताक है, जिसने उसको जोड़ा अल्लाह ताला उसको अपने से जोड़ेगा, और जिसने क़िराबत को तोड़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उसको अपने से तोड़ देगा। सही मुस्लिम की एक तवील रवायत में एक बदवी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की बाग पकड़कर एक सवाल करने का जिक्र है, जो ये था कि मुझे वो बात बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और आग से दूर कर दे। इस पर हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह की इबादत कर और उसके साथ किसी को शरीक न रह रहा, और नमाज कायम कर और ज़कात अदा कर और सिला रहमी कर, अब मेरी ऊँटनी को छोड़ दे। अबू सलाम दमिश्की और अमर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि उन दोनों ने हज़रत अबू अमामा अल-बाहली को अमर बिन अबसा सुलमी को बयान करते हुए सुना। ये कुछ तर्जुमा कुछ ऐसा वैसा ही है। अबू सलाम दमिश्की और अमर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि उन दोनों ने हज़रत अबू अमामा अल-बाहली को अमर बिन अबू सलमा सलमी से ये रवायत करते हुए सुना। कहा करते थे कि मैं ज़माने जाहिलियत में ही अपनी कौम के बुतों से बेजार था। वो कहते हैं कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब दरियाफ़्त किया, यानी मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त किया तो मैंने आपको पोशीदा हाल पाया, यानी अपनी ज़ात में खोए हुए, बस मैं आपकी तरफ मायल हुआ और आखिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया, और मैंने आपको सलाम अर्ज़ किया और फिर अर्ज़ की कि आपका मनसब क्या है। आपने फरमाया कि नबी। मैंने अर्ज़ की कि नबी क्या होता है।
इस पर आपने फरमाया खुदा का पैगंबर। मैंने सवाल किया कि आपको किसने भेजा है, आपने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने। मैंने सवाल किया कि आपने उसने आपको किस पैगाम के साथ भेजा है, आपने फरमाया कि तासिला रहमी की जाए, कत्ल वारत से रोका जाए, रास्तों को पुरामद बनाया जाए, बुत तोड़ दिए जाएं, खुदाए वाहिद की परस्तिश की जाए और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराया जाए। अब इस तरतीब में ये समझना चाहिए कि इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ती हुई तरतीब है। पहले बनी नौ इंसान के हकूक का जिक्र आया है, उसके बाद अल्लाह के हकूक का जिक्र आया है। और अमलन यही हुआ करता है कि नबी भी पहले बनी नौ इंसान की हमदर्दी इख्तियार करते हुए खुदा को प्यारा होता है और फिर तरक्की करके अल्लाह ताला के तमाम हकूक को पहचानता और उनको अदा करता है। बस फरमाया, पहले फरमाया सिला रहमी की जाए, फिर कत्ल व गारत से रोका जाए, यानी रास्ता में पूरा अमन हो बनी नौ इंसान के लिए। रास्तों को पूरा अमन बनाया जाए, फिर इसके बाद आता है बुत तोड़ दिए जाएं, खुदाए वाहिद की परस्तिश की जाए और उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराया जाए। मैंने अर्ज की कि क्या ही अच्छा है कि जिसके साथ आपको भिजवाया गया है। मैं आपको गवाह ठहराता हूँ कि मैं आप पर ईमान ले आया हूँ और आपकी तस्दीक करता हूँ। एक रवायत सुनन तिर्मिज़ी किताबुल बिर वस्सिला से ली गई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने हसब नसब को पहचानो ताकि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी कर सको, क्योंकि सिला रहमी ख़ानदान वालों के साथ मोहब्बत का ज़रिया है और माल में बरकत का मुसबब है और उम्र में दराजी का ज़रिया है। अब ये भी सोचने की बातें हैं कि सिला रहमी माल में बरकत और उम्र में दराजी का ज़रिया कैसे हो गई। असल में जब सिला रहमी की जाए तो एक दूसरे के हालात पर नज़र रखी जाती है और उनकी गुर्बत को दूर करने के लिए जिनको तौफीक हो वो ज़रूर कुछ खर्च करते हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सारे ख़ानदान की माली हालत बेहतर हो जाती है। फिर फरमाया कि उम्र भी लंबी होती है तो जो हर वक्त आपस में झगड़ते रहते हैं उनकी तो सर खपाई से ही उम्र कम हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं, मुसीबत पड़ जाती है। तो पुरअमन ज़िंदगी से बेहतर और लंबी ज़िंदगी नहीं हो सकती। बस सिला रहमी के नतीजे में मुआशरे को यह अमन नसीब होता है। एक रवायत हज़रत अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन आस से है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, ये सही बुखारी किताबुल अदब से ली गई है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची आवाज़ से ये कहते हुए सुना ना कि दबी हुई ज़ुबान से, यानी खुले खुले तमाम अल्फाज मुझे अच्छी तरह याद हैं। आपने फरमाया कि मेरे बाप की आल मेरे औलिया नहीं, मेरा दोस्त तो सिर्फ अल्लाह और नेक मोमिन है, हाँ उनके साथ मेरा एक रहमी ताल्लुक़ है जिसे मैं मिलाऊंगा। यानी अपने आबाई ख़ानदान के मुतलिक फरमाया कि उन पर मेरा कोई सहारा नहीं मगर मैं अपना हक उनके मुतलिक ज़रूर अदा करूँगा क्योंकि वो मेरे रहमी रिश्तेदार हैं। सही मुस्लिम किताबुल बिर वस्सिला से ये रवायत ली गई है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं कि मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ और वो मेरे साथ ताल्लुक़ तोड़ते हैं, मैं उनसे एहसान करता हूँ वो मेरे साथ बुराई से पेश आते हैं,
मैं उनसे दरगुजर और बुर्दवारी से काम लेता हूं और वो मेरे साथ जहालत से पेश आते हैं। आपने फरमाया कि अगर मामला ऐसा ही है जैसा कि तूने बयान किया तो गोया तू उनको गरम राख खिलाता है। अब यहाँ गरम राख खिलाता है लफ्जी तर्जमा है, ये एक मुहावरा है जिसे हम कहते हैं कि उनके मुंह में खाक डालता है। तो इस लिहाज से बामुहावरा तर्जमा तो यही बनेगा, मगर चूंकि अरबी लफ्ज़ में गरम राख का जिक्र है इसलिए मैंने लफ्जी तर्जमा वही बयान कर दिया। फिर फरमाया और अल्लाह ताला की तरफ से उनकी तकलीफों और बुराई को दफा करने वाला एक मददगार हमेशा तेरे साथ रहेगा जब तक कि तुम इसी सिफत पर कायम रहोगे। यानी जो लोग सिला रहमी करते हैं और मुकाबल पे रिश्तेदारों की ज्यादतियों को बर्दाश्त करते चले जाते हैं सब्र के साथ, तो उनके जहाँ तक उनकी इजार सानी का ताल्लुक है अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ ज़रूर उनकी बदियों उनकी शरारतों से बचाने वाला कोई फरिश्ता मुकर्र रखेगा और खुदा ताला उनकी हिफाजत फरमाएगा। सही अल बुखारी किताब अल बिर व सिला में हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि आपने फरमाया एहसान के बदले में एहसान करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं, एहसान के बदले में एहसान करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उससे रिश्ता क़ता किया जाए तो वो उसको भी जोड़े। वरना रिश्तेदार एक दूसरे से जो आम हुस्न सलूक करते रहते हैं उसके मुकाबले पर हुस्न सलूक करना एक कभी फेल है, ना करें तब उनसे हुस्न सलूक करो, इसको हकीकत में सिला रहमी कहा जाता है। सुनो नबी दाऊद किताब अल-अदब से मेरी रवायत है कुलैब बिन मनफा अपने दादा से रवायत करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की या रसूलल्लाह मैं किससे हुस्न सलूक करूँ। आपने फरमाया अपनी वालिदा से और अपने वालिद से और अपनी हमशीरा से और अपने भाई और अपने उस रिश्तेदार से जो उनके बाद आता है, ये हक़ वाजिब है और वो रहमी रिश्ते हैं जो मिलाए जाने चाहिए। एक हदीस मरासील अभी दाऊद से है जिसमें मुरसला अहादीस इकट्ठी की गई हैं। हजरत सईद बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े भाई का हक अपने छोटे भाइयों पर इस तरह का है जिस तरह वालिद का हक अपने बच्चों पर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भाई वालिद के होते हुए भाई अपने बड़ा भाई अपने छोटे भाई पे धौंस जमाए। ये मुझे ख्याल इसलिए आया कि कल ही की डाक में एक जिक्र था, बाप ने शिकायत की थी अपने बच्चे की कि मैं जिंदा मौजूद हूँ मगर मेरे बेटे ने अपने छोटे भाई को इस तरह कैदी बना रखा है जैसे मैं मर चुका हूँ और वो मेरी अपनी उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकता। उसके दिल में जो बागियाना ख्यालात पैदा हो रहे हैं उनका वो जिम्मेदार होगा, लेकिन जो भी ऐसा करने वाला है अगर वो सुन रहे हों तो याद रखें ये नहायत नाजायज़ हरकत है। बाप जिंदा हो तो वही बाप है, बाप मर जाए तो फिर बड़े भाई को प्यार के साथ उसने सलूक करते हुए छोटे भाई का बाप बनना चाहिए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिर्मिज़ी किताबुल बिर वस्सिला से ली गई है। हजरत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खाला माँ के बराबर है।
ये तो देखने में आया है कि खालाएं माओं की जिंदगी में भी बच्चों के साथ माँ वाला सलूक करती हैं, उनकी जिम्मेदारियां अदा करती हैं, और माँ के मरने के बाद तो खालाएं बहुत ज़्यादा उन यतीम बच्चों से या यसीर बच्चों से प्यार करती हैं। मुसनद अहमद बिन हम्बल में मरवी है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रवायत की कि एक शख्स हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझसे एक बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई अमल है? आपने फरमाया, तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, तेरी खाला है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, उसके साथ नेकी और भलाई का बर्ताव कर। अब ये रवायत सही मुस्लिम किताबुल बिर व सिला से ली गई है। हज़रत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मुत्तम से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़तर रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सुनन अत-तिर्मिज़ी किताबुल बिर व सिला में हज़रत अबी बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकशी और क़तर रहमी के सिवा कोई गुनाह इस लायक नहीं कि अल्लाह ताला उसके मुर्तकिब को बहुत जल्द दुनिया में ही उसका बदला दे और आखिरत में भी उसके अज़ाब को ज़खीरा करे। यानी सरकशी और क़तर रहमी का बदला दुनिया में भी ज़रूर मिल जाता है, और जो बारीक नज़र से ऐसे लोगों को देखते हैं वो जानते हैं कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल आज के माशरती हालात पर भी उसी तरह सादिक आ रहा है जैसे उस ज़माने के माशरती हालात पर सादिक आता था। फिर फरमाया, उनको दुनिया में भी बदला यानी ऐसी बदफुल्की का अज़ाब दिया जाएगा और आखिरत में भी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाज़ इक़्तबासात मैं पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ पिछली दफ़ा के इक़्तबासात भी रह गए थे, और चूंकि बच्चों से सलूक का मामला था और माँ के पेट से पैदा होने वाले सिला रहमी के अव्वलीन मुस्ताक हुआ करते हैं, इसलिए ये दोनों मजामीन आपस में मिलजुल से गए हैं। इसलिए मैं पहले वो रवायात जो पीछे रहती थी पिछले खुतबे से रह गई थी आपके सामने चंद नमूनतन रखता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बच्चों को सजा देने के सख्त मुखालिफ थे। मदरसा तालिमुल इस्लाम में जब किसी उस्ताद के खिलाफ शिकायत आती कि उसने किसी बच्चे को मारा है तो सख्त नापसंद फरमाते, और मुतवातर ऐसे अहकाम नाफिज फरमाए गए कि बच्चों को जिस्मानी सजा ना दी जाए। छोटे बच्चों के मुतल्लिक फरमाया करते थे, वो खुदा ताला की तरफ से तो मुकल्लफ ही नहीं हैं, फिर तुम्हारे मुकल्लफ कैसे बन सकते हैं? अल्लाह ने तो उनको मुकल्लफ नहीं ठहराया, वो तुम्हारी दुनिया की तालीम में तुम्हारे मुकल्लफ कैसे बन सकते हैं? इसलिए हुस्ने सलूक करो और प्यार से समझाओ। एक बड़ी दिलचस्प रवायत हज़रत मौली अब्दुल करीम साहब सियालकोटी की है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं, बारहा मैंने देखा है अपने और दूसरे बच्चे आपकी चरपाई पर बैठे हैं और आपको मुस्तर करके पाइंथी पर बिठा दिया है, और अपने बचपने की बोली में मेंढक और कौवे और चिड़िया की कहानी सुना रहे हैं और घंटों सुनाए जा रहे हैं, और हजरत हैं कि बड़े मजे से सुने जा रहे हैं गोया कोई मसनवी मौलाए रूम सुना रहा है। हजरत बच्चों को मारने और डांटने के सख्त मुखालिफ हैं, बच्चे कैसे ही बसूरें शोखी करें, सवाल में तंग करें और बेजा सवाल करें, और एक महूम और गैर मौजूद शय के लिए बेहद इसरार करें, आप ना तो कभी मारते हैं ना झिड़कते हैं और ना कोई खफगी का निशान जाहिर करते हैं। महमूद कोई 3 बरस का होगा
आप लुधियाना में थे, मैं भी वहीं था। गर्मी का मौसम था, मर्दाना और जनाना में एक दीवार हायल थी। आधी रात का वक्त होगा जो मैं जागा और मुझे महमूद के रोने और हजरत के इधर उधर की बातों में बहलाने की आवाज़ आई। हजरत उसे गोद में लिए फिरते थे और वो किसी तरह चुप नहीं होता था। आखिर आपने कहा, देखो महमूद, वो कैसा तारा है। बच्चे ने नए मशगली की तरफ देखा, जरा चुप हुआ, फिर वही रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इस दफा ये कह रहा था, अब्बा तारे जाने हैं कि मैंने तारे पे जाना है। क्या मुझे मजा आया और प्यारा मालूम हुआ आपका अपने साथ यूं गुफ्तगू करना, ये अच्छा हुआ हमने तो एक राह निकाली थी, उसने उसमें भी अपनी जिंदगी की राह निकाल ली है। मुसीम शाम खुद को मुखातब कर रहे थे, अपने से गुफ्तगू करने से मुराद है कि हमने तो एक राह निकाली थी कि इसको ठीक कर देंगे, मगर ये काबू नहीं आया, उसमें से एक और राह उसने जिद की निकाल ली है। आखिर बच्चा रोता रोता खुद ही थक गया, चुप हो गया, मगर इस सारे अरसे में एक लफ्ज़ भी सख्ती या शिकायत का आपकी जुबान से नहीं निकला। हज़रत मौली अब्दुल करीम साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और रवायत में बयान करते हैं कि आपकी कदीमी आदत है कि दरवाजे बंद करके काम करते हैं। इसी हालत में एक लड़के ने जोर से दस्तक भी दी और मुंह से भी कहा, अब्बा बुआ खोल, अब्बा दरवाजा खोलें। आप वहीं उठे और दरवाजा खोला। कम अकल बच्चा अंदर घुसा और इधर उधर झांक ताक कर उल्टे पांव निकल गया। हजरत ने मामूलन फिर दरवाजा बंद कर लिया। दो ही मिनट गुजरे होंगे जो फिर मौजूद और जोर जोर से धक्के दे रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि अब्बा बुआ खोल। आप फिर बड़े इत्मीनान और जमीयत से उठे हैं और दरवाजा खोल दिया है। बच्चा आपकी दफा भी अंदर नहीं घुसता, जरा सर ही अंदर करके और कुछ मुंह से उड़ाता हुआ फिर उल्टा भाग जाता है। हजरत बड़े हशाश पेशाब बड़े इस्तकलाल के साथ दरवाजा बंद करके अपने नाजुक को जरूरी काम पर बैठ जाते हैं। कोई 5 ही मिनट गुजरे हैं तो फिर मौजूद और फिर वही गर्मा गर्मी और शोरा शोरी कि अब्बा बुआ खोल, और आप उठकर उसी वक़ार और सुकून से दरवाजा खोल देते हैं और मुंह से एक हरफ तक नहीं निकालते कि तू क्यों आता है और क्या चाहता है और आखिर तेरा मतलब क्या है जो बार बार सताता और काम में हरज डालता है। मैंने एक दफ़ा गिना, कोई 20 दफ़ा ऐसा किया और इन सारी दफ़ात में एक दफ़ा भी हजरत के मुंह से जजर और तौबीख का कलमा नहीं निकला। फिर मौलवी अब्दुल करीम साहब की ये आखिरी रवायत है। आप फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम बच्चों की खबरगीरी और परवरिश इस तरह करते हैं कि एक सरसरी देखने वाला गुमान करे कि आपसे ज्यादा औलाद की मोहब्बत किसी को न होगी, और बीमारी में इस कदर तवज्जो करते हैं और तीमारदारी और इलाज में ऐसे महव होते हैं गोया और कोई फिक्र नहीं, मगर बारीक बीन देख सकता है कि यह सब कुछ अल्लाह ताला के लिए है और खुदा के लिए उसकी ज़ईफ मखलूक की रियायत और परवरिश मद्देनजर है। आपकी पहलौठी बेटी इस्मत लुधियाना में हैजा से बीमार हुई। आप उसके इलाज में यूं दवा दही करते कि गोया उसके बगैर जिंदगी महाल है, और एक दुनियादार दुनिया की उर्फ व इस्तिलाह में औलाद का भूखा और शेफ्ता इससे ज्यादा जानका ही नहीं कर सकता। मगर जब मर गई, आप यूं अलग हो गए कि गोया कोई चीज थी ही नहीं, और जब किसी कभी जिक्र तक नहीं और जब से कभी जिक्र तक नहीं किया क्योंकि लड़की होती भी थी।
इन इकतबासात के बाद अब मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे इकतबासात इस ताल्लुक में सिला रहमी के ताल्लुक में पढ़ता हूँ। आप फरमाते हैं रिव्यू ऑफ रिलीजन जिल्द अव्वल नंबर 5, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, यानी आदम के वजूद में से ही हमने उसका जोड़ा पैदा किया जो हव्वा है। तो आदम का यह ताल्लुक हव्वा और उसकी औलाद से तभी हो ना बनावटी, और ये इसलिए किया कि आदम ज़ादों के ताल्लुक और हमदर्दी को बका हो, क्योंकि तभी ताल्लुक गैर मुनफक होते हैं, मगर गैर तभी ताल्लुक के लिए बका नहीं है, क्योंकि उनमें वो बाहमी कशिश नहीं है जो तभी में होती है। गरज खुदा ने इस तरह पर दोनों किस्म के ताल्लुक जो आदम के लिए खुदा से और बनी नौ इंसान से होने चाहिए थे तभी तौर पर पैदा किए हैं। यानी ये जो सिलसिला है माँ के पेट से पैदा होने का आदम के वक्त से चला आ रहा है, और ये इसीलिए है ताकि लोग एक दूसरे के साथ सिला रहमी के मजबूत रिश्तों में जोड़े जाएं। फिर मलफूजात जिल्द 5 में रवायत है कि आपने फरमाया खुदा का हक तो इंसान को अदा करना है चाहे करना ही चाहिए, मगर बड़ा हक बरादरी का भी है जिसको अदा करना नहायत मुश्किल है। अब बरादरी के लफ्ज में रिश्तेदार दर रिश्तेदार सारे आ जाते हैं, तो आपने सिला रहमी के मजमून को दूर तक फैला दिया है। हालांकि बरादरी में हर शख्स बराह रास्त रहमी रिश्ता नहीं रखता, मगर वास्ता बिलवास्ता बिलवास्ता ये रिश्ते फैलते चले जाते हैं। फरमाया बड़ा हक बरादरी का भी है जिसको अदा करना नहायत मुश्किल है। ज़रा सी बात पर इंसान अपने दिल में ख्याल करता है कि फलां शख्स ने मेरे साथ सख्त कलामी की है, फिर अलहदा होकर अपने दिल में इस बदजनी को बढ़ाता रहता है और एक राई के दाने को पहाड़ बना लेता है, और अपनी बदजनी के मुताबिक उस कीने को ज़्यादा करता रहता है। ये सब बोझ नाजायज हैं। तो बरादरी में अगर दूर वालों से ये बदजनियाँ शुरू हों और उनसे ताल्लुक टूटना शुरू हो तो फिर ये बीमारी अंदर आती चली जाती है और बाहर से अंदर की तरफ हरकत करती है। सारी बीमारियों का यह हाल है कि अगर उनको रोका ना जाए तो फिर वो बाहर से अंदर की तरफ हरकत करती हैं। जिस्मानी बीमारियों में भी यही आदत है। तो आपने बरादरी के की वसी तारीफ करते हुए ये नसीहत फरमाई है कि अगर तुम बरादरी के हकूक अदा करने की कोशिश करोगे तो अपने अजीज़ों और सिली रहमों के हकूक ज़्यादा आसानी से अदा कर सकोगे। फिर कश्तीनू में रूहानी खजान जल्द 19 सफ़ा नंबर 19 ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इबारत दर्ज है, जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता और उमूर मारूफा में जो खिलाफ कुरान नहीं है उनकी बात को नहीं मानता और उनके ताहुद खिदमत से लापरवाह है, वो मेरी जमात में से नहीं है। जो शख्स अपनी अहलिया और उसके अकारिब से नरमी और एहसान के साथ मुआशरत नहीं करता वो मेरी जमात में से नहीं है। अब अहलिया तो यकीनन या अक्सर सूरतों में वो रहमी रिश्तों में मुंसलिक नहीं हुआ करती, किसी रहमी रिश्ते से ताल्लुक नहीं होती, बाहर की बीवियां ले आते हैं लोग, मगर उसके अकारिब रहमी रिश्ते से ताल्लुक रखते हैं। जो अपने माँ बाप हैं वैसे ही अपने बीवी के माँ बाप से उसने सलूक करो और तब तुम हकीकत में सिला रहमी अदा करने वाले हो गए। ये जो अल्फाज हैं वो मेरी जमात में से नहीं है, ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो पाक जमात दुनिया में कायम करना चाहते थे उसका ये आला तसव्वुर है। इसलिए आपके अपने अख्तियार में हैं, चाहें तो नाम के तौर पर इस जमात में शामिल हों, चाहें तो दिल की गहराई से इस जमात में शामिल हों, और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्दीक आपको मिल जाए कि ये मेरी जमात में से है। चश्मे मारिफत रूहानी खजाइन जिल्द 23 में ये इबारत है, जब तरके की तकसीम के वक्त ऐसे कराबती लोग हाजिर आवें जिनको हिस्सा नहीं पहुँचता मगर कराबती हैं, यानी शरण उनको
हिस्सा नहीं मिलता जो कुरान करीम में तफसील हिस्से की दी गई है, मगर खराबती लोगों की खिदमत का भी हक है। इसलिए जब तरका की तकसीम के वक्त ऐसे खराबती लोग हजरा हाजिरा में जिनको हिस्सा नहीं पहुँचता, ऐसा ही अगर यतीम और मिस्कीन भी तकसीम के वक्त के मौके पर आ जाएं, तो कुछ कुछ उस माल में से उनको दे दो और उनसे माकूल तौर पर पेश आओ, यानी नरमी और खुल्क के साथ पेश आओ और सख्त जवाब ना दो। और वारिसान हकदार को डरना चाहिए कि अगर वो खुद छोटे छोटे बच्चे छोड़ मरते तो उनके हाल पर उनको कैसा कुछ तरस ना आता और कैसी वो उनकी कमजोरी की हालत को देखकर खौफ से भर जाते। बस चाहिए कि वो कमज़ोर बच्चों के साथ सख्ती करने में अल्लाह से डरें और उनके साथ सीधी तरह बात करें, यानी किसी किस्म के जुल्म और हक तलफी का इरादा ना करें। फिर मलफूजात जिल्द 5 सफा 497 पर यह इबारत है, बाज औरतें महज शरारत की वजह से सास को दुख देती हैं, गालियां देती हैं, सताती हैं, बात बात में उसको तंग करती हैं। वालिदा की नाराजगी बेटे की बीवी पर बेवजह नहीं हुआ करती। ये देखने की बात है, जो बीवियां ऐसा करती हैं वो दरअसल खामन को उसके सिला रहमी से बात रख रही हैं, क्योंकि ना तो उसकी माँ को अपनी माँ समझा, ना अपने बेटे की माँ रहने दिया, क्योंकि बेटे का ताल्लुक उससे तोड़ती हैं शिकायतें कर करके और नाराजगी कर करके। आमतौर पर जो तरीक है, वालदा की नाराजगी बेटे की बीवी पर बेवजह नहीं हुआ करती। सबसे ज्यादा ख्वाहिशमंद बेटे के घर की आबादी की वालदा होती है और इस मामले में माँ को खास दिलचस्पी होती है। इस जमन में मैं ये भी तंबीह कर दूं कि बाज़ माओं को अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो जब बीवी की तरफ मायल हों तो जल भी जाती हैं, और बाज़ दफ़ा इस वजह से वो अपनी बहू को दुख देती हैं कि गोया एक किस्म की रकाबत पैदा हो गई है बेटे के साथ। तो बेटे से इतना भी जाहिलाना ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जो खुदा ने उसके हकूक़ कायम किए हैं उनकी राह में इंसान हायल हो जाए। फिर फरमाते हैं, घर की आबादी की वालदा होती है ख्वाहिशमंद, ज़्यादा ख्वाहिशमंद बेटे के घर की आबादी की वालदा होती है और इस मामले में माँ को ख़ास दिलचस्पी होती है। बड़े शौक़ से हज़ारों रुपया खर्च करके, खुदा खुदा करके बेटे की शादी करती है, तो भला उससे ऐसी उम्मीद वहम में भी आ सकती है कि वो बेजा तौर से अपने बेटे की बहू से लड़े झगड़े और खाना बर्बादी चाहे। चौधरी अब्दुल्ला खान साहब नंबरदार बहलोलपुर ने सवाल किया कि हुकाम और बरादरी से क्या सलूक करना चाहिए। फरमाया, हमारी तालीम तो यह है कि सबसे नेक सलूक करो, हुकाम की सच्ची इताअत करनी चाहिए क्योंकि वो हिफाजत करते हैं जान और माल, हिफाजत करते हैं जान और माल उनके ज़रिए अमन में हैं। और बरादरी के साथ भी नेक सलूक और बर्ताव करना चाहिए क्योंकि बरादरी के भी हकूक हैं। अलबत्ता जो मुत्तकी नहीं और बिदात और शिर्क में गिरफ्तार हैं और हमारे मुखालिफ हैं, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, ताहम उनसे नेक सलूक करना ज़रूर चाहिए। हमारा उसूल तो यह है कि हर एक से नेकी करो, जो दुनिया में किसी से नेकी नहीं कर सकता तो आखिरत में क्या अजर लेगा, इसलिए सबके लिए नेक अंदेश होना चाहिए। हाँ, मजहबी उमूर में अपने आप को बचाना चाहिए। तो वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसलक है जो पहले हदीस में बयान किया जा चुका है कि रिश्तेदारों वगैरह पर मेरी कोई बिना नहीं है, मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है, मजहबी उमूर में मैं कुलियतन आज़ाद हूँ, लेकिन उनका मुझ पर सिला रहमी का हक है, इसलिए वो जो चाहे शरारतें करते रहें
मैं उनके साथ सिला रहमी के उसने का हुस्ने सुलूक करता रहूंगा। हजरत साहबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अब मैं एक छोटा सा वाकया बयान करता हूँ जिससे साबित होता है कि हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम का अपने रिश्तेदारों बल्कि मुखालिफ रिश्तेदारों तक के साथ कैसा रहीमाना और मुशफ़िक़ाना सलूक था। वाकया यह है कि एक दफ़ा हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम हजरत अम्मा जान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अपने नए बने हुए हुजरे में इकट्ठे खड़े बातें कर रहे थे कि उस वक्त मैं भी बचपन की उम्र में किसी लड़के के साथ खेलता हुआ उस हुजरे में पहुंच गया और चूंकि उस कमरे के बाहर की खिड़की खुली थी और उस खिड़की में से हमारे चचा यानी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब का मकान नज़र आ रहा था। मैंने किसी बात के ताल्लुक में अपने साथ वाले लड़के से कहा, देखो वो निज़ामुद्दीन का मकान है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मेरे अल्फाज किसी तरह सुन लिए और झट पलट कर मुझे नसीहत की के रंग में टोक कर फरमाया कि मियाँ आखिर वो तुम्हारा चचा है इसलिए इस तरह नाम नहीं लिया करते। इस ताल्लुक में एक और वाकया भी याद आ गया कि एक दफ़ा हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि यही मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन साहब जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अशद तरीन मुखालिफ थे बीमार हैं। इस पर हजूर रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी इयादत के लिए बिला तवक्कुफ़ उनके घर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त उन पर बीमारी का इतना शदीद हमला था कि उनका दिमाग भी उससे मुतासर हो गया था। आपने उनके मकान पर जाकर उनके लिए मुनासिब इलाज तजवीज़ फरमाया जिससे वो खुदा के फ़ज़ल से सेहत याब हो गए। हमारी अम्मा जान हज़रत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती थी कि बावजूद इसके कि मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सख्त मुखालिफ बल्कि मानिद थे, आप उनकी तकलीफ पाकर फौरन ही उनके घर तशरीफ ले गए और उनका इलाज किया और उनसे हमदर्दी फरमाई। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये एक तहरीर आखिरी इक्तबास के तौर पर कश्तीनू से पढ़कर सुनाता हूँ। फरमाते हैं, तुम उसकी जनाब में कबूल नहीं हो सकते जब तक जाहिर व बातिन एक ना हो। बड़े होकर छोटों पर रहम करो ना उनकी तहकीर, और आलिम होकर नादानों को नसीहत करो ना खुद नुमाई से उनकी तजलील, और अमीर होकर गरीबों की खिदमत करो ना खुद पसंदी से उन पर तकबर। हलाकत की राहों से डरो, खुदा से डरते रहो और तकवा अख्तियार करो। खुदा चाहता है कि तुम्हारी हस्ती पर पूरा पूरा इनकलाब आए और तुमसे एक मौत मांगता है जिसके बाद वो तुम्हें ज़िंदा करेगा। तुम आपस में जल्द सुलह करो, अपने भाइयों के गुनाह बख्शो, क्योंकि शरीर है वो इंसान जो अपने भाई के साथ सुलह पर राज़ी नहीं होता, वो काटा जाएगा क्योंकि वो तफरीका डालता है। तुम अपनी नफसानियत हर एक पहलू से छोड़ दो और बाहमी नाराज़गी जाने दो, और सच्चे होकर झूठे की तरह तज़ल्लुल इख्तियार करो ताकि तुम बख्शे जाओ। नफसानियत की फरबही छोड़ दो कि जिस दरवाजे के लिए तुम बुलाए गए हो उसमें से एक फरबा इंसान दाखिल नहीं हो सकता। क्या ही बदकिस्मत वो शख्स है जो इन बातों को नहीं मानता जो खुदा के मुंह से निकली और मैंने बयान की। तुम अगर चाहते हो कि आसमान पर तुमसे खुदा राजी हो तो तुम बाहम ऐसे एक हो जाओ जैसे एक पेट में से दो भाई। तुम में से ज़्यादा बुजुर्ग वही है जो ज़्यादा अपने भाई के गुनाह बख्शता है, और बदबख्त है वो जो ज़िद करता है और नहीं बख्शता। तुम सच्चे दिल से और पूरे सिद्क से और सरगर्मी के कदम से खुदा के दोस्त बनो ता वो भी तुम्हारा दोस्त बन जाए। तुम मताहतों पर और अपनी बीवियों पर और अपने गरीब भाइयों पर रहम करो ता आसमान पर तुम पर भी रहम हो, तुम सचमुच उसके हो जाओ ता वो भी तुम्हारा हो जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की इस नसीहत के बाद मैं इस खुतबे को ख़त्म करता हूँ। इसमें सिला रहमी समेत तमाम ताल्लुकात के मज़मून आ गए हैं, और अगर आप वाक़ता हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में दाखिल रहना चाहते हैं और ख़ुदा के नज़दीक आपकी जमात में शुमार होना चाहते हैं
तो इस तालीम पर हरफन हरफन अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके साथ हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ٹھہریں ٹھہریں ایک منٹ ٹھہریں بیٹھیں اب سے نمازیں جمع نہیں ہوا کریں گی یعنی عصر کے ساتھ جمعہ کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز نہیں ہوا کرے گی یہ اعلان ہو چکا ہے سب جگہ تو بعض لوگوں کو شاید پہلے دو سنتیں پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو پہلے میرا خیال تھا کہ خطبے کے دوران وہ نہیں پڑھی جا سکتی خطبے کے بعد اور تشہد وغیرہ اور تکبیر کے درمیان یہ پڑھی جا سکتی ہیں لیکن جب چھان بین کی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو انہوں نے دو رکھتے ہیں وہ پہلی نہ پڑھی ہوں وہ خطبے کے دوران ہی مختصر کر کے ان رکھتوں کو ادا کیا کریں تو یہ غلط فہمی ایک دور ہو جانی چاہیے امید ہے آپ سب نے اپنی سنتیں ادا کر دی ہوں گی اب تکبیر کہیں جی